हमारे साथ हैं जरीन खान और बहुत सुंदर सा आउटफिट उन्होंने पहन रखा है। आइए जानते हैं कि किस बात की तैयारी में है। वेलकम टू जूम जरीन। थैंक यू। सो सबसे पहले अपने इस आउटफिट के बारे में हमें बताएं। वेल, ये जो आउटफिट आज मैंने पहना है वो एमी विल्मोरिया के Earth 21 के कलेक्शन से है। ये जो आउटफिट है ये गोल्ड कटवर्क कॉर्सेट गाउन है जो उन्होंने इको फ्रेंडली फाइबर्स मटेरियल से बनाया हुआ है, और आई थिंक इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में एमी आपको बताएंगे। अच्छा, उससे पहले वहाँ तो हम ज़रूर जाएंगे, वो सवाल पूछेंगे, बट उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि ये शोरूम में हैं हम हैं इस वक्त, तो ज़रीन बताइए किस तरह के कपड़े आपको पसंद है और क्या पिक करना चाहेंगे यहाँ से। वेल, यहाँ पे मिक्स ऑफ कलेक्शन है। वहाँ पे जो हमारा कलेक्शन है वो 21 का है, बट एज़ यू सी द कलर्स दैट शी यूजेस आर अमेजिंग, द फैब्रिक दैट शी यूजेस आर अमेजिंग, और बहुत ही फेमिनिन सा इनका स्टाइल है, यू नो, विद अ लॉट ऑफ लेसेस, अ लॉट ऑफ नेट्स। सो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ आउटफिट्स। इस टाइप तो आप इंडियन देख सकते हैं, वहाँ पे उनके गाउन्स है। एमी, हर तरफ ग्रीनरी और जरीन खान भी ग्रीन कलर में दिख रही है, क्या खास इनिशिएटिव है इसके बारे में? एक्चुअली जरीन, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर, वो आज टाइम निकाल के आई हैं। शी इज़ प्रमोटिंग, हेल्पिंग अस प्रमोट माई कॉज ऑफ Earth 21। आई हैव कम्प्लीटेड 21 ईयर्स इन फैशन और मैं 10 साल से आई हैव बिन वर्किंग टूवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। तो Earth 21 एक यूनिक इको आर्ट फैशन इनिशिएटिव है इन विच वी आर प्रमोटिंग टोटली इको फ्रेंडली फाइबर। आउटफिट को देखकर मुझे लग रहा है कि जरीन ने थोड़े से वेट और लॉस करनी है, जिस तरीके से हमेशा जरीन को क्रिटिसाइज किया जाता है वेट के लिए, फैट लेडी कहा जाता है, लेकिन जरीन का ये फिगर देखकर मुझे लग रहा है वेट लॉस कर लिया, क्या किया है जरीन बताइए। वेल, मैंने आई डोंट थिंक इतना वेट लॉस किया है, बट आई थिंक अभी सब ने कर्वी वुमेन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आई थिंक एग्जाम्पल्स को एडिट देना चाहिए लोगों को ये ट्रेंड शुरू करने का कि यू नो आई बीन कर्वी, आई नॉट केयर अ डैम अबाउट इट, एंड इसका मतलब सोनाक्षी को थैंक्स कहना चाहिए जरीन को कि ये जो शुरुआत हुई थी वहीं से हुई थी, फिर वो आई और अब मुझे लगता है मामला सुलझ ही गया है बिल्कुल, ये लोगों के मुंह बंद हो गए हैं। वेल, जब मैं आई थी तभी तो मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था, और वेल द ओनली रीज़न जो मैं इसका सोच सकती हूँ वो ये है क्योंकि मैं एक फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती, या मेरा कोई सुपरस्टार बॉयफ्रेंड नहीं है, या मेरे कोई यू नो आई डोंट बिलोंग फ्रॉम द फिल्मी रूट्स, तो आई वॉजंट एक्सेप्टेड दैट वेल, बट समबडी हु वॉज फ्रॉम हियर एंड व्हेन शी केम एंड पीपल लाइक्ड हर एंड देन लाइक्ड मी एज वेल। ओके, अच्छा हम फैशन की बात कर रहे थे, फिर से हम फैशन पे आएंगे। बैकलेस ब्लाउज बड़े अच्छे से हैं, तो जरीन आप बताइए आपका फैशन, आप किस तरह से साड़ीज और ब्लाउज में कितना एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं? जी, आई लाइक समथिंग दैट ऑलवेज, सिंस आई एम वेरी अ कर्वी वुमेन एंड इंडियन वुमेन आर सपोज टू बी कर्वी, आई लाइक थिंग्स जो आपके फिगर को एसेंचुएट करे, एंड साड़ीज इंडियन औरतों पे बहुत अच्छी लगती है, जितनी ज़्यादा सेक्सी उतनी ज़्यादा अच्छी, एंड आई थिंक अभी बहुत खूबसूरत से बैकलेस ब्लाउजेस का ट्रेंड आया है, इसके अंदर भी अगर आप देखें सो यू नो इट हैज़ अ वेरी प्रिटी बैक, सो समथिंग लाइक दैट विच मेक्स यू फील सेक्सियर। आपको उस तरफ मैं लेके चलूंगी, वहां पर भी कुछ ग्रीन ग्रीन कॉस्ट्यूम्स हैं। साड़ीज, किस तरह की साड़ीज पसंद करती हैं, किस तरह के वर्क, हैवी लाइट? साड़ीज में मेरा पर्सनल चॉइस है लाइट साड़ीज विथ मे बी वेरी पतला सा बॉर्डर एंड ऑल, यू नो दैट लुक्स वेरी डेलिकेट एंड वेरी फेमिनिन लाइक दिस, एंड इवन दिस इज़ वेरी प्रिटी इफ़ यू सी, इफ़ यू टच इट, इट्स लाइक इट्स लुकिंग सो हैवी बट इट इज़ अ वेरी लाइट फैब्रिक, सो समथिंग लाइक दैट यू नो विच लुक्स रियली विच इज़ लाइट एंड एट द सेम टाइम लुक्स वेरी ग्रैंड। अच्छा, हर लड़की का फेवरेट, मतलब एक तरह से शादी बोला जाए तो लाल कलर, तो रेड कलर से कितना फैशनेशन है आपको, कितना पसंद करती हैं? अगर आप इसको शादी का कलर बोल रही हैं तो ये तो अभी बहुत बहुत दूर है, अभी तो मुझे कहीं बहुत, अभी तो मुझे शादी का एस भी मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो तब एस नज़र आने लग जाएगा तब में भी ये सो वेस्टर्न क्लोथ्स की मैं बात करूँ, गाउन जो आपने पहन रखा है और यहाँ पर भी है, तो गाउन में कितना कंफर्टेबल फील करती हैं? नॉर्मली रेड कार्पेट पे गाउन में ही एक्ट्रेसेस नज़र आती हैं, तो क्या कहना चाहिए?
आई थिंक गाउन शुड जो गाउन्स होते हैं वो आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से बनाएंगे और बॉडी टाइप के हिसाब से पहने तो वो आप ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल फील करते हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे गाउन्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, बट मैंने ये वाला चूज़ किया क्योंकि एज आई सेड यू नो इट रियली एसेंचुएट्स माई कर्व्स एंड एवरीथिंग एंड इट फिट्स रियली वेल। जैसे आपने कहा कर्वी इंडियन वुमेन है तो ये अगर मुझे लगता है कमर पे ही इसका सही क्या कहना चाहेंगे कितना मतलब यू नो दिस इज़ वन पीस ऑफ ज्वेलरी दैट आई रियली लव। भले ही मैं कुछ भी नहीं पहनूँ, आई एम नॉट रियली अ ज्वेलरी पर्सन, बट कमर बंद जो है वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। आई थिंक जैसे मैंने कहा इट रियली रियली असेंचुएट योर कर्व्स। इन फैक्ट मेरे खुद के पास भी एक गोल्ड चेन है जो मैं अपनी कमर पे पहनती हूँ और या दिस इज़ वन पीस ऑफ ज्वेलरी दैट आई रियली लाइक। कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे मतलब लाइक एक्ट्रेस तो हमेशा फैशनेबल होती हैं, अपडेट होती हैं और बहुत सारे लोग आगे पीछे उनका ख्याल रखने के लिए होते हैं, बट इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो कैसे मतलब खूबसूरत लगा जा सकता है? खूबसूरत आई थिंक मैं आपको वो एक्ट्रेस टॉक्स नहीं दूंगी कि ये नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए। आई फील माय पर्सनल सीक्रेट ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल इज़ लाइक आप हमेशा खुश रहो, क्योंकि यू नो आप नो मैटर कितनी भी एक्सपेंसिव क्रीम्स यूज़ कर लो, ट्रीटमेंट्स कर लो, ये करो, जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो आप खूबसूरत नहीं लगोगे, आपके फेस पे वो ग्लो नहीं आएगा। एंड व्हेन यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड नथिंग मैटर्स एंड यू लुक ब्यूटीफुल। जरीन जानना चाहेंगे कि काफ़ी दिनों से नहीं है तो हमने सुना एक पंजाबी फिल्म जी आपने की है जी, यहाँ के सलमान के साथ डेब्यू की, पंजाब के सलमान के साथ भी फिल्म की किप्पी गरेवाल के क्या कहना चाहेंगे, कैसा फीडबैक रहा? आई फील मैं बहुत ही लकी हूँ, मेरा डेब्यू यहाँ पे भी बहुत ग्रैंड रहा, वहाँ पे भी बहुत ग्रैंड रहा। वहाँ पे जो फिल्म की मैंने पंजाबी वो बहुत ही लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा सराहा है। बहुत खुश हूँ जिस तरीके का रिस्पांस मिला है, वहाँ से भी बहुत ऑफर्स आ रहे हैं अभी, बट आई विल टेक माय टाइम एंड चूज़ व्हाटएवर आई वांट टू डू। यहाँ पे एक फिल्म है जो कंप्लीशन पे है जो अराउंड अगस्त रिलीज़ होगी, एक और फिल्म है जो अराउंड सितंबर अक्टूबर में रिलीज स्टार्ट होगी, सो होपफुली नेक्स्ट ईयर आई विल हैव अ कपल ऑफ फिल्म्स। रेमो डिसूजा की फिल्म में आप काम कर रही है, राजीव खंडेलवाल भी हैं, क्या कहना चाहेंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या है? वेल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो, उसी को अभी थोड़ा कंप्लीट होना बाकी है। उसमें मैं एक जर्नलिस्ट का किरदार प्ले कर रही हूँ, उसमें मैं आप हमारा रोल तो मुझे बहुत मज़ा आया ये प्ले करके, क्योंकि समय जब मैं छोटी थी और बड़ी हो रही थी सो जर्नलिस्ट वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू बी इन माय लाइफ, और वो किरदार प्ले करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। किसी का मतलब एक ड्रीम होता है, हर एक्ट्रेस चाहती है मैं इसके साथ काम करूँ, उसके अपार्ट फ्रॉम सलमान किसके साथ और ऐसा लगता है कि यू नो काम कर ही लेना चाहिए, मौका मिले तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी? मैंने आई थिंक आपको लास्ट टाइम भी कहा था, आप ही मेरा इंटरव्यू ले रही थी और मैंने कहा था कि मैं सैफ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड यू नो उसके अंदर एंड उसके अंदर आई मीन सैफ के साथ अगर मुझे कोई भी फिल्म करने का मौका मिले, छोटा सा भी रोल, आई मीन मैंने सुना था परिनीति ने कहा था थोड़े टाइम पहले कि अगर उनको झाड़ बनने का मौका मिले तो अगर मुझे पत्ता भी बनने का मौका मिले वो मैं वो पिक्चर करूँगी विद सैफ। ओके, आई होप ये बात सैफ अली खान सुनते हों, और पत्ता क्यों, मैं कहूँगी आपको लीड रोल ही मिल जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।